अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मामा बेबी ड्रेस दिखाने वाली हूँ और इसके अलावा इसके पास सॉरी इस वीडियो में आपको 3 से 4 अदर फैंटास्टिक दिखाने वाली हूँ। एंड तक देखिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करते हैं और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। LTR तो लाजमी सभी करते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो ये ट्राउज़र और शर्ट जो है मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह मैंने जस्ट शर्ट से ही ट्राउज़र शर्ट निकाल ली है और जो ट्राउज़र का फैब्रिक था उसका है ना उधर वीडियो डालूँगी। तो फैंटास्टिक ट्रिक इसमें यही है कि इस शर्ट में से मैंने 2 पीस निकाल लिए, यानी कि ट्राउज़र का अलादर फैब्रिक तो चलो मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगी, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगी। ये साइड से जो लंबाइयाँ निकलती हैं उसका ये ट्राउज़र का फ्रंट साइड है और जो ऊपर से टर्न होता है ना फैब्रिक, ये देखिए लंबाइयों की दोनों साइडों की लंबाइयाँ हैं और जो टर्न होकर बैक साइड से ऊपर से निकलता है ना सिंपल प्लेन ऑल ओवर सा प्रिंट, वो इसके बैक साइड भी यूटिलाइज़ किया, तो फ्रंट से बन गया ट्राउज़र। ठीक है, जस्ट फ्रंट से ही बन गया ट्राउज़र। तो एक यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि ये बाजू है ना इसकी कटाई में जो फैब्रिक निकलता है इस रुख का, तो आप यहाँ पे इस तरह से चौड़ा सा निकलता है, तकरीबन 3 से 3.5 इंच का जो साइड से फैब्रिक निकला था मेरा, अच्छा खासा चौड़ा अर्ज होता है। सॉरी यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, सॉलिश शहजादी का ड्रेस है तो कह रही है मामा पता नहीं कहाँ शूट करिए इसको, क्यों शूट करिए। वेल सेंटर से इसका जो फैब्रिक आपको दिखाई दे रहा है ना शर्ट के सेंटर से कली सी दिखाई दे रही है, वो मैंने किस तरह से निकाली है ये आपको एक कागज़ के थ्रू बता देती हूँ मैं आपको। फैंटास्टिक सा ट्रिक, जहाँ से ये जुड़ा है ना यहाँ से ये फैब्रिक निकलेगा। तो इसको जब आप कटिंग करते हो नीचे 5.5 इंच की कटिंग होती है, इस तरह बाजू दोनों बाजू को रख के फोल्ड करो और जो इस तरह से नीचे से कटिंग करते हो ना ऊपर की तरफ, इसके सेंटर से एक चौड़ा अर्ज निकलता है कली नुमा, वो ईज़िली आप बच्चे को शर्ट के सेंटर में लगा सकते हो, तो वो जो दूसरे नीचे रखे हुए ना वो साइड पर लगा के ज़्यादा उसका घेर कर सकते हो, तो वो बहुत ही फैंटास्टिक लुक देगा एक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखिए जी किस तरह से मैंने इसको यूटिलाइज किया, और ये बैक साइड की जो फैब्रिक था उसका जो है सारा दामन ऊपर की तरफ ले गई मैं, उसका प्रिंट जो है मैंने उसकी पेटी बना दी, यानी कि यॉक बना दी मैंने बेबी गर्ल की। इस तरह से अगर आप चाहें तो आप दोनों ट्राउज़र और शर्ट सॉरी फ्रंट और बैक का दोनों जो है दामन के प्रिंट है वो दोनों आप ऊपर की तरफ यॉक बना सकते हो, मैं लेकिन एक को मैंने ट्राउज़र पे यूज़ कर लिया, यानी कि एक बॉर्डर को। तो ये बैक साइड आप देख सकते हो इसके सेंटर में भी जॉइंट आया है और यहाँ पे इजीली आप टिच बटन लगाओ, हुक लगाओ या डोरियाँ लगा लो। नीचे 1.5 इंच की मैंने पलटा किया है ताकि इसको जो है ना ज़्यादा पलटा करने से एक शेप बरकरार रह सके, आप कोई लेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लूप्स बना के लगा लिया मैंने, आप किसी भी किस्म की वाइट कलर की कोई भी आपको कंट्रास्ट में लेस मिलती है तो आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट तकरीबन जो मिलती है छोटी छोटी जो होती है ना 1.5 इंच की या इंच की भी लगा सकते हो आप। ये मैंने 1.5 इंच की मिल्की लेस लगाई अपनी ड्रेस पर, आप मिल्की लेस भी लगा सकते हो और भी शीटर लेस कोई भी मिल। चलते हैं जी नेक की तरफ, ये इसका पलटा जो है ना ये लाउन के ड्रेस का है, मैंने इसलिए लाउन का ड्रेस चूज़ किया कि यहाँ पे जो इतनी हैवी सी एम्ब्रॉयडरी होती है ना उसका टर्न अच्छे से हो जाए, लिनन का करो तो वो अच्छे से टर्न नहीं होता, जो इतना अच्छा बैठा नेक है ना कि मतलब गुलाई और मोटी मोटी शेप इसकी नहीं आ रही, क्योंकि इसका टर्न जो है ना वो लाउन के फैब्रिक का। यहाँ पर साइड में दिखाऊँ तो सिंपली मैंने एक ही सिलाई लगाई है और ये देखिए मैंने पीछे की तरफ ही लगाई है इसको, मतलब पलटा जिसे कहते हैं लेस का पलटा। और इसकी वीडियो और नेक लाइन किस तरह बनाना है उसकी वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में एक अनदर ड्रेस का मैंने लिंक शेयर किया है, उसको आप गौर से देखिएगा इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने फोल्डिंग कुछ नहीं किया जिसके नीचे वाइट कलर ही इतना ज़्यादा का फैब्रिक था, पलटा इसका मैंने वाइट कलर का ही रहने दिया है और बाजू पर भी सिंपल जो दामन पर लेस लगाई ना मिल्की लेस वो ही मैंने बाजू पर लगाई है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है आप चाहें तो, ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर से मैंने कलर लिया ना वाइट कलर और ये आपको मैं जो कलर दिखा रही हूँ ना ये सरसों के तेल का साइड इफेक्ट है मेरे ड्रेस में, एक दो बार पहना मैंने लेकिन इसका जो कलर अब नहीं उतर रहा, तो आप कोशिश कीजिए जिस ड्रेस में आप इस तरह से कलर आ सकता है कि मतलब लाइट कलर है ड्रेस का तो सरसों का तेल मत लगाएं, किसी और टाइप का लगा दें जिसका इस तरह कलर नहीं निकलता जिस ऑयल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली ऊपर ट्राउज़र के ऊपर रखे एक इंच की जो है ना पट्टी लगा दी और ये बाजू दुपट्टे की जो है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये साया ब्रांड का ड्रेस है। ठीक है,
साया ब्रांड का ड्रेस है और इसके पल्लों पे मैंने जो है सिंपली इस तरह से बीबीपी को करवा दी है। और आप उसका फैब्रिक गोर्स दिखाऊँ तो यहाँ पे मुझे जस्ट पल्लों पे लगाना था, दोनों साइडों पे ऑलरेडी ब्लैक एंड रेड कलर का इतना प्यारा सा बॉर्डर है कि इसको मैं जो आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी कनी ऑलरेडी डन थी तो मतलब रेडी टू वेयर थी, तो मैंने इस पर कुछ खास नहीं करवाया। आपका दिल करे तो आप कुछ करवा भी सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। आपको ये फैंटास्टिक कैसे लगे कि मैंने शर्ट से ट्रोजरेंट शर्ट निकाल लिया और ट्राउज़र का भी जो फैब्रिक था उसके अलग से ड्रेस बना लिया, मतलब उसके साथ है ना उधर कंट्रास्ट करके, तो उसको अच्छे से प्रीटी सा ड्रेस बना लिया मैंने। तो यही फैंटास्टिक ट्रिक्स होती है जो आम लोगों को पता आम तौर पे नहीं होते हैं। तो इसी तरह के फैंटास्टिक ट्रिक के लिए चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।